और अब बात करेंगे राज्य में कांकेर रोड स्थित सीएम आवास पर हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यूपीए नेताओं की बैठक हुई, जिसमें रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई है। कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो की जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। सीएम ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बिंदुवार चर्चा करते हुए पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव प्रचार में उतरने का निर्देश दिया। बैठक में सीएम के अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन 19 फरवरी को गोला में चुनाव प्रचार करेंगे। जी के नेतृत्व में सफल बैठक हुई है और उस बैठक में कैसे रामगढ़ में हम अपनी जीत को दर्ज करा सके कैसी बनी है। मुख्यमंत्री जी ने भी अपने कार्यक्रम बना रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस रणनीति के तहत विधानसभा में काम करना है, तमाम रणनीति पर चर्चा हुई है। माननीय राजेश ठाकुर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे, माननीय विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब मौजूद रहे और हमको लगता है कि इस आज के बैठक के बाद सारे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिल से लगेंगे और जो हमारा सीट है सीट था और सीट को हम बरकरार रखने के लिए पूरी देखिए चार बार के धुनाई से लोग नहीं संभल पाए। अब ये जो पांचवा जो थप्पड़ पड़ेगा पांच उंगली वाला, तो उसके बाद ये जनतंत्र का थप्पड़ बहुत दिन तक उनके कानों में। इसके पहले भी तो हर चुनाव में उपचुनाव में एनडीए साथ में थी, वहां पर जिस प्रकार की गंदी राजनीति हो रही है, चाहे वो शराब की हो, चाहे मुर्गा खस्सी की हो, लोगों के बीच में पैसे बांटने की हो, चूड़ा प्रमुख के नाम पे एक नया उगाही का दल बनाना, तो ये सारे चीजें लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। वहां पर मुद्दों पर बात होनी चाहिए और आप जिसे कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कारपेट बॉम्बिंग जो होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।